I want to start today's lecture with a quote by Jack Shannon that feed your genes right, eat to turn off disease-causing genes and slow down aging. So according to Jack, if you are eating right, if your diet is right, the nutrients you are consuming is right, then disease-causing genes can be turned off and we can also slow down the aging. So nutrigenomics ki main essence jo hai wo yahi hai ki aapki jo diet hai wo aapke genes ko regulate karti hai. So agar aap apni diet ko theek rakhenge to hum different diseases ko prevent kar sakte hain aur isi tarah hum aging ko bhi slow down kar sakte hain. So today we are going to start the ninth lecture, and the topic of our lecture is non-nutrient functionalities of the food components. So food composition mein jo non-nutrient functionalities hain, kuch non-nutrients hote hain aur unka different role hota hai food mein bhi aur aapki body mein bhi. So hum unko jo hai wo discuss karenge detail mein. So functionalities can be derived from the nutrients and non-nutrients. Ab nutrients aur non-nutrients mein difference kya hai? Nutrients jo hain wo substances hain jo ki aapko nourishment de rahe hain aur iske alawa they are essential for the maintenance of life and for growth. While non-nutrients, they have effects on the structure and microstructure, and this in turn affects the various functions of the body, such as they also influence the organoleptic properties. और इसके साथ साथ हमारे पास एंटी न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिनेशन आ जाती है. एंटी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं विच इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. सो न्यूट्रिएंट्स और नॉन न्यूट्रिएंट्स में अगर हम डिफरेंस देखें, न्यूट्रिएंट्स जो हैं कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और आपकी बॉडी फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहा है, स्पेशली आपकी लाइफ और ग्रोथ को मेंटेन कर रहा है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल में हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों आ जाते हैं. जबकि जो नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं वो एज सच जरूरी नहीं है आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए, लेकिन वो आपके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को इफेक्ट जरूर कर सकते हैं. मतलब आपकी बॉडी फंक्शनिंग की मेंटेनेंस के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वो आपकी बॉडी फंक्शनिंग को इफेक्ट जरूर कर सकते हैं. और नॉन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फूड में स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर में रोल प्ले करते हैं. अब नॉन न्यूट्रिएंट की एक कॉमन एग्जाम्पल जो है ना वो फाइबर की है. अब फाइबर हमारे फूड में बेसिकली विस्कोसिटी ऐड करता है, बल्क ऐड करता है, और इसके साथ साथ फूड में इसका ये रोल है. और अगर हम देखें कि इसका बॉडी में क्या रोल है, तो बॉडी में फाइबर जो है वो डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है. सो इस तरह से नॉन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं फूड के लिए भी और आपकी बॉडी फंक्शनिंग को भी अफेक्ट कर रहे हैं. Non-nutrients also influences the organoleptic properties. अब ये organoleptic properties क्या होती हैं? Organoleptic properties are basically the five sensory properties which influences the food. और sensory properties में आ जाता है जैसे color हो गया, texture हो गया, जो आपकी five senses पे dependent properties हैं, such as color, texture, aroma, flavor. ठीक है, ये सारी जो है ये कहलाती हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज. तो नॉन न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड की नॉन ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज पे भी रोल प्ले करते हैं, उसको भी अफेक्ट करते हैं. न्यूट्रिएंट और नॉन न्यूट्रिएंट के साथ एक और हमारे पास एक टर्म आती है, एक और सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं. अब एंटी मीन्स जो कि अगेंस्ट काम करेंगे न्यूट्रिएंट्स के. तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो न्यूट्रिएंट की बायोअवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज आल्सो नोन एज एंटी न्यूट्रिएंट. अब एंटी न्यूट्रिएंट जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी विटामिन भी हो सकता है, मिनरल भी हो सकता है, और नॉन न्यूट्रिएंट भी हो सकता है. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि
आयरन जो है वो कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन को हिंडर कर रहा है, तो आयरन जो है वो बेसिकली एज एन एंटी न्यूट्रिएंट ऐड कर रहा है फॉर द कैल्शियम, ठीक है। तो इसी तरह फाइबर जो है वो अगर किसी भी न्यूट्रिएंट के अब्सॉर्प्शन में को हिंडर कर रहा है, जो फाइबर कहने के लिए तो नॉन न्यूट्रिएंट है ना, तो लेकिन फिर भी अगर वो किसी न्यूट्रिएंट के अब्सॉर्प्शन में को हिंडर कर रहा है तो दैट इज नोन एज एंटी न्यूट्रिएंट। Difference between a nutrient and non-nutrient component of the food. By definition, अगर हम देखें nutrient of which deficiency results in adverse health effects such as lead to the diseases. अगर किसी भी nutrient की deficiency होगी तो adverse health effect होंगे और disease होने के chances हैं. On the other hand, non-nutrient of which deficiency will not normally lead to diseases. So deficiency of non-nutrient will not lead to diseases. So ये एक और difference है nutrient और non-nutrient में. Examples of non-nutrient consider करते हैं. Examples of nutrients तो आपको पता है, अब हम discuss करेंगे examples of non-nutrient. अब non-nutrient में जो है हमारे पास different examples आती थी such as coffee, tea, food additives. फूड एडिटिव्स जो हैं कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि फूड में ऐड किया जा रहा है, और यूजुअली जो है जैसे हमारे पास कलरिंग एजेंट्स आ जाते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स, इमल्सिफायर्स, थिकनिंग एजेंट्स, नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारे एग्जांपल हैं फूड एडिटिव्स के. देन टॉक्सिकेंट्स, टॉक्सिकेंट्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूट्रिएंट. We have example of aflatoxins and hydrazines. Then plant components such as phytochemicals. अब ये जो phytochemicals होते हैं ये plant में basically color add करने के लिए ये इनका role होता है, और इसके अलावा different plants के अंदर different type of phytochemicals जो हैं वो present होते हैं. And phytochemicals are the example of non-nutrients क्योंकि ये आपको कैलोरिक नीड्स आपकी पूरी नहीं करते, इनकी कैलोरीज नहीं होती हैं, लेकिन ये है कि इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ये आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करेंगे और इसके साथ साथ ही फूड के अंदर में भी फूड में भी रोल प्ले करते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. जी बच्चे. मैम आपने अभी पिछली डेफिनेशन पढ़ी है नॉन न्यूट्रिएंट्स की कि ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं, लेकिन एडिटिव्स हो गए या जिस तरह से टॉक्सिकेंट्स हो गए इनसे तो बेशक माइल्ड डिजीजेस. मैंने बताया अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए आपकी बॉडी में तो ये डिजीज कॉज नहीं करेंगे, ठीक है. ओके मैम. और अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज होगा. Nutrient of which deficiency results in the adverse health effects. Deficiency of non-nutrients will not lead to any kind of disease. मैंने कहा है कि इसकी deficiency से disease नहीं होगा, लेकिन इसको consume करने से health के ऊपर effect जरूर हो सकता है. ठीक है, आपका point बिल्कुल ठीक था कि जैसे additives हैं उनको consume करने से adverse health effects हो सकते हैं और diseases भी हो सकते हैं. हम डिस्कस करते हैं प्लांट कंपोनेंट्स में फाइटोकेमिकल्स को, और इसमें सबसे पहले एग्जांपल है लाइकोपीन की. अब जो ये लाइकोपीन है ये एक नॉन न्यूट्रिएंट है, ठीक है. अगर हमारी बॉडी में लाइकोपीन की डेफिशिएंसी हो तो कोई डिजीज नहीं होगा, लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी में रोल है और बड़ा पॉजिटिव रोल है, क्योंकि ये जो है ना इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बायो एक्टिव कंपाउंड और बायो एक्टिव सब्सटेंस as it prevents the tissue damage which is done by the oxygen radicals. Basically jo oxidative stress hai ye usko kam karne mein role play karta hai, aur lycopene jo hai wo basically red color add karta hai, aur tomatoes mein jo hai na ye present hota hai. Good source of lycopene jo hai na it is tomatoes. Iske alawa aur bhi non nutrients ki example aa jati hai such as carotenoids, aur carotenoids jo hai wo orangish color add karte hain. कैरेटिनॉइड्स बच्चों इनका क्या रोल है बॉडी में, ये बॉडी को कैसे अफेक्ट करेंगे? एनीवन? मैम ये विटामिन ए के प्रीकर्सर्स होते हैं.
वेरी गुड, ठीक है। ए में उसके अलावा ये आई ब्लाइंडनेस अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हो जाए, वो बीटा कैरोटीन की बात हम करते हैं, लेकिन इनसे रिजेम्बलेंस होती है। ठीक हम है, वीएन में ये रोल प्ले करते हैं, वीएन। तो आप ये देख सकते हैं कि हम अगर कोई भी कैरेटिनॉइड्स की सोर्सेज जो हैं, गुड सोर्सेज ऑफ कैरेटिनॉइड्स आर दी कैरेट्स, ठीक है। तो अगर थैंक हम यू। अगर इंडिविजुअल कैरेट कंज्यूम कर रहे हैं तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हम कैरेटिनॉइड्स भी कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू कैरेट्स। तो इसको कंज्यूम करने से आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो सकती है और इम्प्रूव हो रही है। इसी तरह डिफरेंट नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स जो कि मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हैं, दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूट्रिएंट्स। और ये डिफरेंट ब्रांड्स के नेम और फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। हमारे पास साइक्लोमेट है, सैकरिन है, एस्पार्टेम, न्यूटेम, सुक्रोलोज, स्टीविया, मॉन्क फ्रूट स्वीटनर। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स व्हिच आर अवेलेबल इन मार्केट एज नॉन न्यूट्रिएंट्स। बच्चों इसमें से आपको बस मेजर नेम्स याद होने चाहिए, ठीक है। आई नो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। मेन जो मेरा कंसर्न है वो ये रिसर्च है जिसमें ये देखा गया है कि जो स्वीटनर्स हैं वो बेसिकली आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल करते हैं। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? मैम रेशियो जितनी ब्लड के मैम इंसुलिन कायनात दोबारा बोले। मैम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ये रेशियो होती है जो अंडर ड्रॉप होती है, जिसमें ग्लूकोज और लेवल्स कितना इंक्रीज ब्लड ब्लड ग्लूकोज लेवल, वेरी गुड अक्सा। बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो रिलेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। सो बेसिकली अगर आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट की सोर्स कंज्यूम कर रहे हैं और उसको कंज्यूम करने के बाद जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करेगा, दैट इज डिफाइंड एज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और जो स्वीटनर्स हैं कहने के लिए तो वो नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल कर रहे हैं और उनको इफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट आपको आपके सामने जो ग्रीन बार चार्ट्स बार्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंस शो किया हुआ है कि डिफरेंट स्वीटनर्स को कंपेयर किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ देयर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो आप ये देख सकते हैं कि जो प्योर ग्लूकोज है इसका अगर हम इसको एज अ स्टैंडर्ड लें 100 यूनिट पे ये इंक्रीज हो रहा है। व्हाइट शुगर जो है वो रिलेटिवली कम है और सबसे कम 0 पे आप देख सकते हैं कि जो मॉन्क फ्रूट और स्टीविया, ये दोनों जो हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, प्लांट बेस्ड स्वीटनर्स हैं, और आप देख सकते हैं कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है एज कंपेयर टू द प्योर ग्लूकोज एंड वाइट शुगर, ठीक है। तो बस आपको इस बार चार्ट में जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द स्वीटनर्स जो है वो पता होने चाहिए। बाकी ये है कि वैसे आप रीड आउट कर लें इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन याद जो है ना वो आप लोगों को ये होने चाहिए। मैम ये सारे याद होने चाहिए। नहीं मैंने क्या कहा है अभी? आपने कहा कि वो जो दो आपने लास्ट से 0 वाले बताए हैं और जो व्हाइट शुगर और ग्लूकोज वाले हैं, ये चार बस कर लें कि पूरे वो तो एक दफा हम रिव्यू करेंगे, लेकिन मॉक फ्रूट और ये और प्योर ग्लूकोज का अगर हम कंपैरिजन, अगर आप एग्जांपल हमसे क्वेश्चन में पूछें तो हम ये चार लिख दें तो दैट इनफ। हाँ जी, ठीक ओके है, मैम जी। वेरी गुड ईमान। आपने आंसर किया था ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कि इट इफेक्ट्स द ब्लड लेवल और बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल को इफेक्ट करते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज अ माइक्रोब कैन बी अ न्यूट्रिएंट, यस और नो? मैम माइक्रोब्स में भी हमें अगर हम यीस्ट वगैरह की बात करें तो उससे हमें जो है थोड़ी बहुत मिलती होगी माइक्रो लेवल पे नो न्यूट्रिएंट। मैम नो।
मैम नो आई थिंक मैम। अच्छा जी बच्चों, सो माइक्रोब्स कैन बी अ न्यूट्रिएंट सच एज द सिंगल सेल प्रोटीन्स, और सिंगल सेल जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन बी कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट, और इसकी एग्जाम्पल जो है वो ई कोलाई की है। सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चों हमारे गट फ्लोरा के अंदर अल्लाह ताला ने इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले हैं, वो हमारी डिफरेंट बायोकेमिकल मैकेनिज्म्स और जो फिजियोलॉजी है, बॉडी फंक्शनिंग है, उसको रेगुलेट करने में एक एसेंशियल रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो तो उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी फंक्शनिंग जो है वो इफेक्ट होती है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अगर कॉम्पोजिशन हम देखें तो वो सिंगल सेल जो है वो सिर्फ एक डीएनए से बने हुए हैं। और डीएनए क्या है, इट इज व्हाट इज डीएनए, डीएनए की कॉम्पोजिशन क्या है? मैम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस फॉस्फेट है। डीएनए, व्हाट इज डीएनए, डीएनए की कॉम्पोजिशन क्या है? मैम प्रोटीन्स एंड पैरामिडीन्स होती हैं उसके अंदर, प्रोटीन से बने होते हैं अमाइनो एसिड और उससे। अस्मा, वेरी गुड। बेसिकली डीएनए को अगर हम देखें वो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं जो कि अमाइनो एसिड और प्रोटीन, ओवरऑल अगर हम उनको देखें तो वो बेसिकली प्रोटीन इन नेचर है। डीएनए जो है इट इज प्रोटीन इन नेचर। सो दैट इज हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग इन योर फॉर ह्यूमन बींग्स। रोल ऑफ नॉन न्यूट्रिएंट्स इन फूड। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि स्पेसिफिकली एक एक नॉन न्यूट्रिएंट जो है वो फूड में क्या रोल प्ले करे। आप लोगों ने फूड साइंस ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है, आप लोगों को आइडिया है कि कैसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड की कॉम्पोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में हेल्प करते हैं। सो जिस तरह न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं, इसी तरह नॉन न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी फूड के स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में रोल प्ले करते हैं। सो नॉन न्यूट्रिएंट्स कैन बी फाउंड इन फूड एज टेक्सचर, कलर, टेस्ट और स्मेल। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फूड फिजियोकेमिस्ट्री। नाउ व्हाट इज फूड फिजियोकेमिस्ट्री, इट बेसिकली रेफर्स टू द विस्कोसिटी, पार्टिकल साइज एंड डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ द फूड, एंड द केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ ईच नॉन न्यूट्रिएंट डिटरमिन्स इज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी एक फूड कॉम्पोनेंट के अंदर, एक फूड के अंदर जो भी नॉन न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डिटरमिन करेंगे कि उस फूड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, यानी उसका कलर क्या कैसा हो, उसका टेक्सचर कैसा हो। सो नॉन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड फूड के लिए। अब यहाँ पे जो है वही एग्जाम्पल दी हुई है फाइबर की। ठीक है, फाइबर जो है वो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को प्रमोट करता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फाइबर जो है वो विस्कोसिटी को इंक्रीज करता है, बल्क जो है वो इंक्रीज करता है आपके फूड में। और बेस्ड ऑन द विस्कोसिटी एंड पार्टिकल साइज ऑफ द फाइबर इट इफेक्ट्स द डाइजेस्टिबिलिटी। अब ये ह्यूमन बीइंग के जो मैकेनिज्म है डाइजेस्टिबिलिटी, डाइजेशन है, उसको इफेक्ट कर रहा है नॉन न्यूट्रिएंट कॉम्पोनेंट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दी जी आई रैंकिंग। अब ये जी आई रैंकिंग जो है ना वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रैंकिंग है। विस्कोसिटी ऑफ अ फाइबर, विस्कस एंड सॉल्युबल फाइबर्स ट्रांसफॉर्म्स द इंटेस्टाइनल कंटेंट इनटू द जेल लाइक मैटर व्हिच स्लोज डाउन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑन द स्टार्च। बेसिकली ये एक रिसर्च है, और इसके अकॉर्डिंग जो फाइबर है, ऑल्दो ये एक नॉन न्यूट्रिएंट है, लेकिन ये बॉडी की डाइजेस्टिबिलिटी में रोल प्ले कर रहा है। और अगर हम देखें कि वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो फाइबर जो है ना वो बेसिकली जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फूड कॉम्पोनेंट को कन्वर्ट कर देते हैं टू द जेल लाइक मैटर, और उसकी वजह से जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑन द स्टार्च है, जिसकी वजह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स इफेक्ट होता है, वो जो है वो रिड्यूस हो जाता है।
सो अब आप देख सकते हैं कि एप्पल का जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है एज कम्पेयर टू दी चीरियोज. चीरियोज जो है वो सीरियल्स हैं, तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज्यादा है. तो इस तरह से ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इफेक्ट कर सकते हैं नॉन न्यूट्रिएंट्स. हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड इंसुलिन स्टेटस कैन बी चेंज्ड इन रिलेशन टू द पार्टिकल साइज एंड विस्कोसिटी ऑफ द फाइबर. द फाइन पार्टिकल साइज ऑफ द व्हीट फ्लावर गिव्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ग्रेटर सरफेस एरिया टू अटैक एंड मेटाबोलाइज द ब्रेड. ठीक, इसी तरह इंसुलिन स्टेटस भी इफेक्ट हो सकता है और ये डिपेंडेंट होता है फाइबर के पार्टिकल साइज और विस्कोसिटी के ऊपर. पहली वाली स्लाइड में हमने विस्कोसिटी को देखा था कि कैसे विस्कोसिटी इफेक्ट करती है. अब हम जो है वो देख रहे हैं पार्टिकल साइज को. तो जो पार्टिकल फाइन पार्टिकल साइज का मीनिंग ये है कि अगर छोटा पार्टिकल साइज हो तो वो जो है ज्यादा सरफेस एरिया देगा फॉर द एंजाइम टू वर्क. तो उसकी वजह से उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज्यादा होता है. ये जो है वो कंपेयर किया हुआ है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू को विद द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइबर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंसेस इन द पार्टिकल साइज. सो लार्जर द पार्टिकल साइज लोअर विल बी द जीआई वैल्यू. और ये ग्राफ के फॉर्म में इन्होंने ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज शो की हुई है. सो यू कैन सी जो होल वीट है उसका जी आई वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू द फाइन वाइट फ्लावर. यानी जो हमारा मैदा होता है वाइट फ्लावर, इसके अंदर फाइबर कॉम्पोनेंट सबसे कम होता है. ठीक है, होल वीट में फाइबर कॉम्पोनेंट ज्यादा है. तो आप देख सकते हैं कि होल वीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम है, वाइट फ्लावर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज्यादा है. तो बच्चों इसीलिए जब हम डायबिटिक पेशेंट्स को प्रेफर करते हैं कि उनको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दें जिनका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम हो, हम बेसिकली उनके कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस को मॉडिफाई करते हैं. तो ये एक एग्जांपल थी कि कैसे नॉन न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज. और फिर इसके अलावा विस्कोसिटी को डिस्कस किया गया था. Now, digestibility of the non-nutrients depends on the particle size and processing method such as cooking. अब non-nutrients की digestibility भी important है. वो जो है दो चीजों पर dependent है, एक size, particle size क्या होगा उस nutrient, non-nutrient का, और इसके अलावा आप कौन सा cooking method या processing method use कर रहे हैं. For example, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, डाइट्री प्रोटीन्स मस्ट बी डाइजेस्टेड टू स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर देन इजीली अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन. रोल ऑफ द नॉन न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बायोलॉजी. सो कंजम्पशन ऑफ द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स एड इन द प्रिवेंशन ऑफ कॉमन मेटाबॉलिक डिजीज स्टेट्स सच एज ओबेसिटी एंड डायबिटीज. Then they also influence the organoleptic properties such as taste, smell and color. So, अगर किसी भी food का color जो है वो appealing नहीं है तो आप उसको consume नहीं करोगे. अगर आप उसको consume नहीं करोगे तो इस तरह से जो उस food के अंदर essential non-nutrients हैं जो कि आपके disease को prevent करने में role play कर रहे हैं, या अगर वो आपकी फिजियोलॉजिकल बेनिफिट, कोई भी हेल्थ बेनिफिट वो आपको दे रहे हैं, तो इस तरह से उस वो जो है इफेक्ट होगा. तो इस तरह जो है वो नॉन न्यूट्रिएंट जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी भी फूड को अपीलिंग बनाने में, उसको ज़्यादा एपेटाइजिंग बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. टेस्ट और स्मेल की एग्जाम्पल देते हैं. जैसे फॉर टेस्ट और स्मेल कॉफी इज अ गुड एग्जाम्पल. So roasting of the coffee forms the aroma and volatile substances such as furfuryl and pyrrol type of compound is released during the roasting of coffee. हम जब कॉफी को रोस्ट करते हैं उसका एक स्पेसिफिक अरोमा और बड़ा स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है. ठीक है, और नॉर्मली जो है वो इट इज कंसिडर्ड प्लेजेंट अरोमा होता है उसका. तो किसी भी फूड की एडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए
हम अरोमा के लिए कॉफी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें ये क्या चेंजेस आते हैं, तो बेसिकली फ्यूफेनाइल और पायरोल जो है ये नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस हैं, ये रिलीज होते हैं जब कॉफी को रोस्ट किया जाता है। ये जो डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं ये एग्जांपल है फाइटोकेमिकल्स की, और किस तरह से डिफरेंट फाइटोकेमिकल्स डिफरेंट कलर्स दे रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कैरेटिनॉइड्स हैं वो ऑरेंज कलर देते हैं, फ्लेवोनॉइड्स जो है वो येलोइश, एंथोसियानिंस जो है वो आपको रेडिश और मैरूनिश कलर देते हैं, फाइकोसियानिंस जो है वो ब्लू कलर देते हैं, टैनिंस दे गिव ब्राउन कलर, एंड द क्लोरोफिल्स गिव्स द ग्रीन कलर। अब ये कलर्स जो है ना बच्चों आप लोगों को एज इट इज याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कि जितने भी नेम्स आपके सामने ये क्या है, ये बेसिकली एग्जांपल है फाइटोकेमिकल्स व्हिच आर द नॉन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर बेसिकली अफेक्टिंग द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिकली द कलर ऑफ द फूड। फाइकोसियानिंस जो है बच्चों मार्केट में एज अ डाइटरी सप्लीमेंट भी अवेलेबल होते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दे आर यूज्ड एज द एंटी कैंसर सुपर एंटी ऑक्सीडेंट एंड दे एनहांसेस द इम्यूनिटी आल्सो। और बेसिकली ये जो है वो आप कह सकते हैं कि टेबलेट की फॉर्म में होता है, और ये है क्या, ये एक फाइटोकेमिकल है जो कि ब्लू कलर, ब्लू पिगमेंटेशन इसकी होती है, ब्लू कलर ऐड करता है, ठीक है। ये हुई एज अ कलरिंग एजेंट भी इसको यूज किया जाता है, और ये सेफ है, ISO अप्रूव्ड है, हलाल है, HACCP अप्रूव्ड है। टैनिंस की बात करते हैं, टैनिंस आर समटाइम्स आल्सो कंसीडर्ड, टैनिंस आर आल्सो कंसीडर्ड एज एंटी न्यूट्रिएंट्स। अब टैनिंस एंटी न्यूट्रिएंट है, इसका क्या मीनिंग है, व्हाट आर एंटी न्यूट्रिएंट्स? नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है, सो टैनिन है तो नॉन न्यूट्रिएंट, लेकिन ये जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी को जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे नॉन न्यूट्रिएंट्स जो है वो ह्यूमन बायोलॉजी को इफेक्ट कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड कैरेटिनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स दे आर द एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। टैनिंस जो है वो बेसिकली वुड, जो वुड बार्क होती है उसके सेंटर में जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा टैनिंस जो हैं वो आपके ग्रेप्स में भी प्रेजेंट होते हैं, स्किन में और उनकी सीड्स में, उनके स्टेम्स में टैनिन प्रेजेंट होता है। सो टैनिन इज एन गुड, सॉरी, ग्रेप इज अ गुड सोर्स ऑफ टैनिन। ग्रीन टी में भी टैनिन प्रेजेंट होता है, और ग्रीन टी जो है उसके डिफरेंट बेनिफिट्स भी हैं। ग्रीन टी के अंदर जो है वो कैटेकिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब कैटेकिन्स जो हैं और आइसोफ्लेवोन्स जो हैं उनका एक पॉजिटिव रोल है आपकी बॉडी फंक्शनिंग में। ग्रीन टी कैन सर्व एज इनहिबिटर्स ऑफ द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्री रेडिकल्स, ठीक है, ये आपके फ्री रेडिकल के एब्जॉर्प्शन वो कम करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो कम करते हैं, ये इसका पॉजिटिव रोल है। ग्रीन टी आल्सो इनहिबिट्स द एक्सेस लिपिड बिल्डअप। आइसोफ्लेवोन्स आर एक्सटेंसिवली प्रेजेंट इन द वेजिटेरियन डाइट, एंड कैटेकिन्स कैन रिड्यूस द बर्डन ऑफ सीवीडी आल्सो। ऑलराइट, सो कुछ नॉन न्यूट्रिएंट्स जो है वो GI ट्रैक्ट को भी इफेक्ट कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल जो है वो पेपरमिंट की है। सो मोटिलिटी ऑफ द GI ट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय द मेंथॉल व्हिच इज प्रेजेंट इन द पेपरमिंट। अब ये मेंथॉल जो है वो नॉन न्यूट्रिएंट है जो कि पेपरमिंट में प्रेजेंट है, और बेसिकली मेंथॉल जो है वो GI ट्रैक्ट की मोटिलिटी को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है।
एंडोक्राइन इफेक्ट्स भी होते हैं. अच्छा एंडोक्राइन इफेक्ट्स क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंडोक्राइन? मैम जो आपकी बॉडी के अंदर के इफेक्ट्स प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं, जैसे आपने हमें इकोलाइन वगैरह के बारे में बताया जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो और उनकी वजह से हमारे. मैम जो हार्मोनल हार्मोन्स से रिलेटेड जो. वेरी गुड अनुषा, वेरी गुड. सो हार्मोनल चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी में. जी जब एरिया हार्मोनल चेंजेस आती है ना हमारी बॉडी में एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली आपके हार्मोन्स को रेफर करता है. ठीक है, हार्मोनल सिस्टम को रेफर करता है. सो कुछ नॉन न्यूट्रिएंट फूड कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका इफेक्ट जो है वो हार्मोन लाइक इफेक्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है. इसकी एग्जांपल जो है वो ये है, ग्लूटेन और केसीन. So these factor may also be regarded as the exohormones. Exo means outside. So sometimes aise non-nutrients ko hum exohormones bhi kehte hain kyunki wo aapki body mein hormone-like effect produce kar rahe hain. Iske example jo hai wo exorphin ki aati hai. It is produced from the casein and gluten. Theek hai? And this peptide has the opioid-like activity on brain receptors. अब केसीन और ग्लूटेन जो है, ग्लूटेन ये दोनों जो है वो प्रोटीन है. ग्लूटेन किस में प्रेजेंट होता है? वीट. वीट, ठीक है. और केसीन मिल्क, डेयरी में होता है. मिल्क में होता है, मिल्क प्रोटीन है. वेरी गुड, वेरी गुड. अब ये दोनों आप लोगों के फूड के अंदर प्रेजेंट हैं और नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली प्रोटीन्स हैं. ये एक मिल्क प्रोटीन है, एक वीट प्रोटीन है. अब ये दोनों जो है आपकी बॉडी में जो स्पेसिफिकली ब्रेन पे रिसेप्टर्स जो है उनके ऊपर एक्ट करते हैं और ओपियोइड लाइक इफेक्ट है. ओपियोइड किसी को पता है व्हाट इज ओपियोइड? एनीवन? बच्चों आप लोगों को पता है? इट इज अ क्लास ऑफ ड्रग. पेन रिलीवर्स, क्लास ऑफ ड्रग्स. वेरी गुड अक्सा, ठीक है. सो ओपियोइड जो है ना वो बेसिकली ड्रग्स की एक कैटेगरी है जो कि पेन रिलीवर्स होते हैं और इसके अलावा उनका थोड़ा सा सिडेटिव इफेक्ट है. वो आपकी नर्व्स को रिलैक्स करते हैं और आपको सिडेटिव इफेक्ट है इसका. तो केसीन और ग्लूटेन का बेसिकली सेडेटिव और एक पेन रिलीविंग इफेक्ट है जब आप उसको कंज्यूम करते हैं. ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई इंजरी होती है तो कहा जाता है कि दूध में जो है वो हल्दी मिक्स करके दे दो. क्यों? क्योंकि जो बेसिकली मिल्क है उसका पेन रिलीविंग इफेक्ट है और हल्दी जो है वो उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, वो इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट फाइट करती है. तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि फूड जो है वो एज अ हार्मोन या हार्मोन लाइक इफेक्ट उसका बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केसीन. और केसीन जो है वो एक्सोर्फिन रिलीज करता है आपकी बॉडी में. इसी तरह फिर हम टी का भी बारे में, जैसा यहाँ कॉफी के बारे में लिखे तो टी का भी अक्सर लोगों को हैबिचुअल हो जाता है. ये मेंटली लिंक है कि जो कहते हैं कि हम चाय पियेंगे तो हमारा सर दर्द ठीक हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल है या फिर इसकी वजह से है? अब इसी के ऊपर मैं आ रही हूँ. ये जो ओपियोइड लाइक एक्टिविटी इट हैज आल्सो बीन शोन बाय द इंस्टेंट कॉफी. और कॉफी के अंदर जो एक नॉन न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है? आइसोमेरिक फ्यूरोलाइल क्विनिक एसिड लैक्टोन्स. ये जो है नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि कॉफी में प्रेजेंट हैं और ओपियोइड लाइक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. बिल्कुल जैसे असमा ने डिस्कस किया कि हम चाय और कॉफी को भी इसी तरह रिलेट करते हैं कि जी सर में दर्द हो रहा है, जी कॉफी चाय पी लो, कॉफी पी लो ठीक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो बेसिकली ब्रेन को जो है वो सिग्नल दे रहे हैं कि पेन रिलीविंग उसका इफेक्ट हो रहा है. और इसके अलावा बनानास में भी एक नॉन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सैलसिनोल और ये भी ओपियोइड लाइक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है. तो
ये जो नॉन न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए और कौन सा फूड का क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. अभी आपने ओपियोइड लाइक इफेक्ट पढ़ा है, ठीक है, पीछे मेंथॉल का आपने जो है वो मोटिलिटी से रेलेवेंट इफेक्ट पढ़ा था, फाइबर का आपने जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे इफेक्ट पढ़ा था. तो ये टॉपिक जो है, ये लेक्चर आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपको पता होना चाहिए हर नॉन न्यूट्रिएंट का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और फूड में क्या रोल है, ठीक है. फिर जो ये कॉफी है, इसमें आपने ये भी देखा था कि कॉफी जो है वो अरोमा और स्मेल के लिए भी यूज होता है और उसमें जो नॉन न्यूट्रिएंट्स थे वो फ्यूफराइल था, ठीक है. अब ये देखें, ये एग्जांपल दी गई कि जो वीट के अंदर ग्लूटेन है वो उसका पेन रिलीविंग इफेक्ट होता है. तो अगर आपके सर में दर्द हो तो आप सिंपली अगर अपने रोटी खा रहे हैं या अगर आप बनाना कंज्यूम कर लें तो उससे भी सर में दर्द ठीक हो सकता है आपका इंस्टेंट. अब इसके अलावा मेटाबॉलिक बैलेंस में भी इनका रोल होता है नॉन न्यूट्रिएंट्स का, और इसकी एग्जांपल जो है वो कैप्सिसिन की है. कैप्सिसिन जो है इट इज अ नॉन न्यूट्रिएंट व्हिच इज प्रेजेंट इन चिलीज एंड इट प्रोड्यूसेस अ थर्मल रिस्पांस इन अ मील. थर्मल रिस्पांस मींस कि जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपका BMR जो है वो स्पीड अप होता है और आपकी बॉडी में से एक हीट प्रोड्यूस होती है, आपको फील होता है कि आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप हुई है. सो कैप्सिसिन जो है अगेन ये एक एज एन एक्सो हार्मोन एक्ट कर रहा है और इसके अलावा एक्सोर्फिन आल्सो शोज द इन्फ्लुएंस ऑन द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. सो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के ऊपर भी इसका इफेक्ट है. मेटाबॉलिक बैलेंस जो है वो बेसिकली आपका BMR यानी कि आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है उसको रिलेट कर रहा है और इसके एग्जांपल में मैंने आपको चिलीज की एग्जांपल दी है. चिलीज में जो कैप्सिसिन व्हिच इज अ नॉन न्यूट्रिएंट वो थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ये आप देख सकते हैं चिलीज का स्ट्रक्चर. चिलीज के सेंटर में ये जो फाइन से वाइट कलर की लाइन होती है, दीज आर बेसिकली दी कैप्सिसिन ग्लैंड्स जो कि कैप्सिसिन प्रोड्यूस करें और थर्मल इफेक्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है इसको कंज्यूम करने से. कुछ नॉन न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका सीरम लिपिड के ऊपर भी इफेक्ट होता है. सीरम लिपिड क्या होता है, जो आपके ब्लड के अंदर लिपिड लेवल्स हैं जैसे कि आपके LDL लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, वो सारी चीज़ें, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ये सारा सीरम लिपिड में आ जाता है. इसकी एग्जाम्पल जो है वो है एलाइसिन की. एलाइसिन जो है वो भी नॉन न्यूट्रिएंट है व्हिच इज प्रेजेंट इन गार्लिक एंड इट लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल. अब ये सारे जो फैक्ट्स आप लोगों ने अपने स्लाइड में देखे ना, ये साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंसेस हैं. लाइकोपीन इन द टोमेटो ऑल्सो रिड्यूसेस द LDL ऑक्सीडेशन एंड हेल्प्स इन मैनेजिंग द एथेरोस्क्लेरोसिस. लाइकोपीन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होता है. अब ये क्या है, लाइकोपीन जो है वो फंक्शनल फूड है या नेचुरल सप्लीमेंट है? मैम की न्यूट्रोसिटिकल न्यूट्रो एमएम्यूसिटिकल. ठीक है अस्मा, मेरी और कायनात, ठीक है. और फंक्शनल फूड क्या होगा लाइकोपीन का? मैम एक्सक्यूज मी मैम, फंक्शनल फूड की और उसके अंदर जो है वो बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट लाइकोपीन है और लाइकोपीन जो है वो जैसे अभी अक्सर ने बताया कि वो एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करते हैं. कायनात आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मैं पूछ रही थी कि टोमेटो में जो है ऑक्सीलेट भी तो होता है, अगर हम ज्यादा उसको कंज्यूम करना तो उससे किडनी स्टोन हो सकता है, तो फिर अगर हार्ट पेशेंट्स को ये रिकमेंड किया गया कि आप लोग ये लाइकोपीन की जो है कंजम्पशन करें टोमेटो पर. ऑडियो जो है ना वो क्लियर नहीं है, आपने अगर हैंड्स फ्री लगाएंगे आप उतार के माइक से बात कर लो. मैम मैं चैट कोई किसी और को समझ आई है कायनात की बात, प्लीज रिपीट कर दें मुझे, इधर सिस्टम में आवाज नहीं आ रही. मैम वो कह रही थी कि टोमेटो में ऑक्सीलेट होता है जिसकी वजह से हम अगर उसको ज्यादा कंज्यूम करें टोमेटो को तो किडनी स्टोन जो होने का इंडिकेशन होती है तो वो हम हार्ट पेशेंट्स को नहीं दे सकते, तो फिर क्या फिर हम किस तरह इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं, ये शायद क्वेश्चन था उसका. तो बच्चों ये देखो ये लाइकोपीन नहीं निकला हुआ, अब ये लाइकोपीन सप्लीमेंट्स जो है वो स्पेसिफिकली हार्ट पेशेंट्स के लिए है, ठीक है.
जो टोमेटोज का इम्पोर्टेंट, अगर हमने ऑब्वियसली किसी डिजीज को टारगेट करना है तो हम वही न्यूट्रिएंट देंगे जो स्पेसिफिकली उसको टारगेट करें, क्योंकि टोमेटोज के अंदर और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम ये डाइटरी सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल्स देते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा एक और की जो होती है ना, वो होती है बैलेंस। जब भी आप बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन अपनी प्रैक्टिस में ना बैलेंस को मेंटेन रखना। अब अगर हम टोमेटोज हैं, हम ये तो नहीं उसको कहेंगे कि दिन में 4 किलो टोमेटोज खा लो और आपका हार्ट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं, हम बेसिकली उसको टोमेटोज को देंगे इन कॉम्बिनेशन विद अदर फूड्स जो के जिनका सेम इफेक्ट होगा, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा, जो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टोमेटोज को सपोर्ट करेंगे। स्पेसिफिकली अगर लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टीज को इफेक्ट उसको सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह से ये है कि अगर हम बैलेंस के साथ और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के साथ देंगे तो जो उसका एडवर्स इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आई होप कि यही क्वेश्चन था कायनात का। यस मैम, ठीक हो गया। लास्ट जो एग्जांपल है वो है करक्यूमिन की। अब करक्यूमिन जो है ना, ये बहुत ही एक आप कह लो, अगर हम इसको देखें ना इसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है जो कि लकीली हमारे पाकिस्तानी क्विजींस में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट इसकी जो थेरेप्यूटिक वैल्यू है इट इज़ हाईली सिग्निफिकेंट एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द ट्यूमेरिक। अब ट्यूमेरिक क्या है? हल्दी है, ठीक है। जो हल्दी है उसके अंदर जो बायोएक्टिव कंपोनेंट नॉन न्यूट्रिएंट है वो है करक्यूमिन। ये बेसिकली येलो कलर भी ऐड करे फूड में और इसके साथ साथ इसकी बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज हैं। जो सबसे मेजर प्रॉपर्टी है करक्यूमिन की, इट बेसिकली एक्ट्स एज एन एंटी कैंसर एजेंट एंड इट इज ऑल्सो इट ऑल्सो हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, ठीक है। आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये कम करते हैं। इसके अलावा इसके और भी मल्टीपल फंक्शंस हैं। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में और सूद करने में इसका वो भी इफेक्ट है। सो डिफरेंट इसके जो है वो इफेक्ट्स और रोल्स हैं। इसी तरह ये देख के साइंटिस्ट ने जब देखा कि भाई ट्यूमेरिक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज जो है वो या थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि करक्यूमिन की वजह से है। तो फिर उन्होंने जो है वो करक्यूमिन के न्यूट्रास्यूटिकल्स बना लिए, सप्लीमेंट्स बना लिए। तो मार्केट में करक्यूमिन के भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ फ्यू नॉन न्यूट्रिएंट्स जो कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं। कुछ का हमने एडवर्स इफेक्ट डिस्कस किया है, कुछ का हमने पॉजिटिव इफेक्ट डिस्कस किया है, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इनका फूड में क्या रोल है। एनी क्वेश्चंस? नो मैम।